छत्रपाल सिंह गंगवार का जन्म 20 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के दमखोड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामलाल सिंह व मां का नाम चंपा देवी। पिता रामलाल आरएसएस के स्वयंसेवक थे, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इस कारण से राजनीतिक गुण बचपन से ही 6 साल को पिता से मिले। छत्रपाल भी बाल स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रहे। युवा अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर संगठन में सक्रिय रहे। 1977 में बीएड की शिक्षा प्राप्त की। 1979 में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से मास्टर की उपाधि प्राप्त की। शिक्षक की नौकरी करने लगे। रंजना से विवाह किया। दोनों के 2 बच्चे हैं। 2002 में बहेड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, किंतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मंजूर अहमद से पराजित हो गए। 2007 में पुनः बहेड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी के अंजुम रशीद को पराजित करके पहली बार विधायक चुने गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से बहेड़ी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, किंतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अताउर रहमान से पराजित हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में पुनः बहेड़ी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अताउर रहमान को पराजित करके दूसरी बार विधायक चुने। योगी सरकार में राजस्व मंत्री बनाए गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः बहेड़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, किंतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अताउर रहमान से चुनाव हार गए। 2024 के आम चुनाव में बरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन को पराजित करके पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए।